हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल पाली स्टोर में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर रिशिता ने एक बार फिर से ड्रामा शुरू कर दिया है घर वालों के सामने, क्योंकि उसे वो एक एकड़ जमीन चाहिए क्योंकि उसे बनाना है अपनी पसंद का फार्म हाउस। भाई प्रफुल्ला ने जो चाल चली है उसके बाद यहाँ पर उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी सुमन के, और सुमन जोरदार प्रफुल्ला को थप्पड़ मारने वाली और कह देगी कि ये तुम्हारे ही कहे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जब यहाँ पर रिशिता बताएगी कि ये जमीन तो मुझे पता ही है कि कॉम भी बेचकर अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सुमन ये सबको सुनकर शॉक्ड हो जाएगी कि रिशिता कह क्या जा रही है, और सुमन कहेगी कि तुमसे ये सब किसने कहा कि हम जमीन बेच रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद में वो कह देगी कि प्रफुल्ला आंटी ने कहा था मुझे, और प्रफुल्ला को बैंड बजा देगी सुमन। जी हाँ दोस्तों, प्रफुल्ला को पढ़ने वाला है जोरदार थप्पड़, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। यहाँ पर हमें काफी कुछ धमाल देखने को मिलेगा, जब प्रफुल्ला को ये चांटा पड़ेगा तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और प्रफुल्ला को अपनी हरकतों पर लगाम तो लगाना आता नहीं है और वो सुमन से डर कर यहाँ पर चुप हो जाने वाली है। वही रिशिता को अब सुमन समझा देगी कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और ये स्टोर आपके बाबा का सपना है और ये सपना जरूर पूरा होगा चाहे कुछ भी हो जाए, और रिशिता को चुप करवा देगी। लेकिन रिशिता के दिल में ये सब चीजें बैठ जाती है। तो वही हमें देखने को मिलेगा शिवा और रावि का रोमांस। जी हाँ दोस्तों, शिवा और रावि इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, और रावि को तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता। उसे पता है कि जो धरा दीदी और कॉम्बी करेंगे वो बिल्कुल ठीक डिसीजन होगा, तो कॉम्बी और धरा दीदी ने जो सोचा होगा वो ही सही होगा। और इस बात से शिवा काफी इंप्रेस हो जाता है रावि से, वो कहता है कि हाँ ये तो और से लगेगा कि हाँ रावि कितनी इज्जत करती है भाभी की। और इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कि शिवा और रावि के बीच में पहले से ही नजदीकियां बढ़ रही है, और इन दोनों के बीच में हमें रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। तो दूसरी तरफ प्रफुल्ला और अनिता दोनों मिलकर अब और भी नई चाले चलने की कोशिश करने वाली है, जिसकी किस तरह से अब वो इनमें नाकामयाब होती है, और अनीता अब गोम्बी को पाने के लिए कौन सा ड्रामा शुरू करती है देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है।